الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم معزز محترم من الكرام ديني واسلامي اخوي आज के दरस में इन शाह हम महमदु रसोल्ला वल् के अखलाक का और ख़ास तौर से आपकी तोज़ुँ और खाकसारी का तस्करा करेंगे सुनबाउत की रवायत है राव्य हदीस अबू ज़र रज़ी तहु हैं और बयान करते हैं कि हम महम्मद रसूल अल्लाह सल वम के साथ आपकी मदलिस में बैठे होते थे कोई अजनबी शख्स जब आता तो अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूल सल्लाम को पहचान नहीं पाता पूछना पड़ता था अल्लाह के पैगंबर कौन है आपके दरमियान अल्लाह के रसूल कौन है साहबा की मजलिस है साहब कराम भी बैठे हैं और उस मजलिस में महम्मद रसोल वम भी बैठे हुए हैं कोई अजनबी शख्स आता तो पूछता आप में अल्लाह के रसूल सल्ला कौन है बार बार इस तरह का वाक़ जब पेश आने लगा तो साहब कराम रज़ी मजमी ने महमदर रसोल्ला वसलम से दरख्वास की कि हम लोग आपके लिए एक बैठक बना देते हैं बैठने की चीज कि आप उस पर बैठे रहेंगे और हम आपके आस पास बैठ जाएंगे तो आने वाला समझ जाएगा ये बीच में जो बैठे हैं ये अल्लाह के रसूल महम्मद रसोल रबी हदीस बयान करते हैं सहाब रसूल बयान करते हैं उसके बाद हमने आपके लिए मिट्टी का एक चबूतरा बना दिया मिट्टी का मिट्टी का चबूतरा जब बन गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हमारे दरमियान मोहम्मद अलैहि वसल्लम हमारे बीच उस चबूतरे पर बैठते और हम आपके आसपास बैठ जाया करते इस तरह से तमीज हो जाती थी कि ये मोहम्मद रसोल्ला वसलम है किस कदर आपका अखलाक बलंद था आप कितने मतवाजे और खाकसार थे आपके अंदर किसी तरह का कोई तिब्र गुरूर भड़कपन नहीं था बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाला पहचान नहीं पाता था इसीलिए अल्लाह रब्बुल रबालमिन ने फरमाया फरमायाजीम आप अखलाक के बुलंद मनब पर फाइज हैं बल तरीन मनब पर फाइज हैं जितना बुलंद अखलाक हो सकता है उस अखलाक की बुलंदी पर आप फाइज हैं मजीद रबीन ने मोहम्मद अलैहि वसल्लम के खुसूसियत का तस्करा किया कि आपसे लोग इतने ज्यादा जुड़ते क्यों हैं इतने करीब लोग क्यों होते हैं अल्लाह रब्लम ने फरमाए फवीमिन आप अल्लाह की रहमत से लोगों के लिए बड़े रहम दिल हैं बड़े नरम दिल हैं बड़े मेहरबान हैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ अच्छा मामला करने वाले और सबसे बड़ा फायदा तवाज़ो का यह होता है कि जो आदमी मुतवाजे होता है ना उससे लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं खाकसार इंसान के करीब जाने से कोई डरता नहीं है उससे हर कोई अपनी बात कह लेता है उसके सामने हर हाँ कोई अपनी जरूरत पेश कर लेता अपने मामला उसके सामने रखने में उसको डर नहीं लगता ये का एक अहम फायदा कि जो मुतवाजे होता है लोग उससे करीब रहते हैं और मोहम्मद वसल्लम तो छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे अपने घर में अपनी बकरियों का दूध दूह लेते थे अपने जूते टांग लेते अपने कपड़े तह कर लेते गुलामों की भी दावत को कबूल कर लिया करते थे मरीजों की इयादत करते जनाजे के पीछे जाते मजलिस में जहाँ जगह मिलती आप बैठ जाते लेकिन इस हदीस में आपने सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक राम ने आपसे गुजारिश की कि हम आपके लिए एक बैठक बना देते हैं आप उस पर बैठ जाया करो ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपके दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है आज हमारे दरमियान देखिए ब्र घमंड अकड़पन कितना लोगों के अंदर पाया जाता है आज सलाम करने के बारे में भी लोगों ने अपना एक स्टेटस बना के रखा है कि ऐसे लोगों को सलाम करेंगे ऐसे लोगों को सलाम नहीं करेंगे पैसे वाला है तो उसको सलाम किसी से कुछ फायदा हासिल करना है तो उससे सलाम जबकि मोहम्मद रसूल ने फरमाया जिसको पहचानते हो उसे भी सलाम करो और जिसको नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो दावत का मामला ले लीजिए दावत में भी तकबर लोगों के अंदर हर किसी को दावत नहीं दे सकते जिससे फायदा होगा उसको बुलाएंगे जो पैसे वाला होगा उसको बुलाएंगे जो अहदे और मनसब वाला होगा उसको बुलाएंगे तो हर चीज में आप गौर करते जाइए ये किम्र गुरूर किस तरह लोगों के अंदर पनप रहा है घमंड किस तरह लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है जब ये गुरू और घमंड आता है तो अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है और आदमी का अख्लाब बिगड़ जाता है इसलिए हमें और आपको चाहिए कि महम्मद रसोल्ला की सदी से सबक लें कि महम्मद रसोल्लासम किस तरह मुतवाजे थे किस तरह खाकसार थे और घमंड करने से कभी भी किसी इंसान का दर्जा बुलंद नहीं होता है कोई अपनी बड़ाई खुद बयान करे कोई अपने आप को बड़ा समझे उसके खुद को बड़ा समझने से वो बड़ा नहीं हो सकता मोहम्मद रसोल्लासम ने फरमायाद अल्लाह रबीन अल्ला के लिए जो तो है अल्लाह के लिए जो खादसारी करता है अल्लाह ते बुलंदी अदा कर देता है उसे अल्लाह तब रिफातों से नवाज देता है बलंद मकामा अदा कर देता है तो खाकसारी में इज्जत है खाकसारी में मोहब्बत है तो आपस में मिलने जुलने का एक माहौल पैदा होता है लेकिन जो आदमी मुतकबिर होता है उस मुतकबिर आदमी को अल्लाह पसंद नहीं करता मुतकबिर आदमी को लोग भी पसंद नहीं करते मुतकबिर आदमी से लोग दूर भागते हैं इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं क्रब्लमी जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने तवाज़ो पेश किया खाकसारी पेश की लोगों के दुख दर्द में आपने सपोर्ट किया लोगों की मदद की इसी तरह अल्लाह रब्आलमिन हमें भी अच्छा अख्लाक अपनाने की तोफ़ी कि फिर गुरूर से बच करके तवाजो की खादसारी की ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अदाफरमा और ईमान के साथ मोत नसीफ़र और करीमक वरह वरक ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोज़ देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने आमीन जजा खैरन